आपको लखनऊ में हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का T20 मैच तो अच्छी तरह से याद होगा। भारत ने इस मैच को 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया था, लेकिन एक डिफिकल्ट पिच होने की वजह से यहाँ पर स्कोर बड़ा नहीं बन पाया था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 99 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेटों से इस मैच को अपने नाम कर लिया। हालांकि मैच आखिरी ओवर तक जरूर गया था। इस पिच को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हुआ। पहले हार्दिक पांड्या ने लखनऊ की पिच को सदमा देने वाली पिच बता दिया था, उसके बाद लखनऊ के पिच क्यूरेटर को पिच बनाने के काम से हटा दिया गया। हार्दिक पांड्या ने जो पिच को लेकर के बयान दिया था, उससे काफी ज्यादा अलग बयान सूर्य कुमार यादव का है। सूर्य कुमार यादव ने इस पिच को लेकर के क्या कहा था, जरा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हार्दिक पांड्या का बयान सुन लीजिए। पिच को लेकर हार्दिक पांड्या ने कहा, सच कहूं तो ये विकेट सदमा देने वाला विकेट था। अब तक हमने जितने भी मैचेस खेले हैं, मुझे मुश्किल विकेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहता हूं। लेकिन ये दोनों विकेट T20 के लिए नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं पिच क्यूरेटर या जिस मैदान पर हम खेलने जा रहे हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जिस तरह की पिच बना रहे हैं, उसे पहले से ही तैयार कर लिया जाए। इसके अलावा बाकी सारी चीजों से मैं खुश हूँ। अब हार्दिक पांड्या की पिच से ना खुशी तो आपने सुन ली, अब सूर्य कुमार यादव का बयान सुन। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पिच पर खेल रहे हैं या किस मिट्टी की पिच पर खेल रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम जो कर सकते थे हमने वो किया, और जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। हमें ग्राउंड के ऊपर जो भी परिस्थिति मिल रही है, उसके लिए हमें अडेप्ट होना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब आप ही बताइए कि लो टोटल मैच के बाद में सूर्य कुमार यादव का बयान और हार्दिक पांड्या का बयान, आप दोनों बयानों में से किस पर सहमत हैं? इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और क्रिकेट की खबरों से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।